नमस्कार दोस्तों, हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने ये सवाल पूछा कि सर क्या इंडिया का पीक आके चला गया है। तो दोस्तों, अभी काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में और अखबारों में खबर छपी थी कि जो इंडिया की आर वैल्यू है ये एक से कम हो गई है, इसका मतलब इंडिया का अभी पीक चला गया है। तो दोस्तों, सही में क्या इंडिया का पीक चला गया है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद ये आर वैल्यू क्या रहती है ये जानेंगे, और अभी इंडिया की आर वैल्यू कितनी है उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानकारी लेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अभी इंडिया की जो आर वैल्यू है 0.86 है, पहले आर वैल्यू थी 1.17। तो दोस्तों, इस हफ्ते में जो आर वैल्यू कम हुई है, मतलब 0.86 पे आई है, तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं कोविड-19 से, और जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसकी संख्या जो है कम है। मतलब ज़्यादा पेशेंट ठीक हो रहे हैं और कम पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, या नए केसेस जो है ये कम आ रहे हैं और ठीक होने वाले पेशेंट की संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पेशेंट जो है एक से भी कम आदमी को ये कोरोना वायरस ट्रांसमिट कर रहा है। दोस्तों, आर वैल्यू मतलब क्या रहता है, रिप्रोडक्शन रेट, मतलब एक जो पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट है, कितने लोगों को ये ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शन, उसे कहते हैं आर वैल्यू। जो कोविड-19 है इसकी आर वैल्यू 2 से 2.5 मानी जाती है, और अगर ये जो आर वैल्यू है ये कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी बन रही है, और धीरे धीरे आर वैल्यू अगर हम कंसिस्टेंटली कम रखते हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, मतलब जो पैंडेमिक से इसकी स्टडी करने वाले लोग रहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि हम कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक ये आर वैल्यू कम रहते हैं तो धीरे धीरे पैंडेमिक खत्म होता है। तो दोस्तों, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको हम सिलसिलेवार समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ है, मतलब जो आर वैल्यू है 0.86, अगर इन आंकड़ों को हम सही मानते हैं, ठीक है, दो तरह के हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, काफ़ी लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी हम पहले ये सोचते हैं कि आंकड़ा बिल्कुल सही है, आर वैल्यू 0.86 है। जो स्टेट्स है, बाकी स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में आर वैल्यू अभी एक से नीचे आई है, खास करके जो स्टेट्स जहां केसेस ज़्यादा संख्या में थे, ठीक है। तो जो नए आने वाले पेशेंट ये कम हुए हैं, तो दोस्तों अगर आर वैल्यू कम हुई है तो इसका मतलब है अभी नए आने वाले पेशेंट कम हुए हैं, लेकिन ये पेशेंट कम ही रहेंगे ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दिल्ली में भी ये आर वैल्यू कहाँ तक गई थी, 0.75 तक गई थी, 0.75 तक गई थी, और इसके बाद एक महीने बाद दोबारा दिल्ली में पीक आ गया। अभी दिल्ली की जो आर वैल्यू है, रिप्रोडक्शन रेट है, अराउंड 1 है, मतलब जितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं या जितने पेशेंट को कोविड हो रहा है उतने पेशेंट को छुट्टी हो रही है या वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो दिल्ली में दूसरा पीक आ रहा है। और दोस्तों, हम बाकी जैसे बात करेंगे बाकी इंडिया की, तो कुछ जो मेट्रो सिटीज़ रहते हैं वहाँ ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, और जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ कम केसेस मिल रहे हैं। तो आर वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब इंडिया का पीक चला गया, ये मानना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में आगे भी पीक आ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, उसी पे जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि हमको नियमों का कड़ाई से पालन करना है। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था कि भाई ये जो आंकड़े है, मतलब आर वैल्यू जो हमें दिख रही है 0.086 यह सही आंकड़ा है। दोस्तों, क्या था पहले जो कोविड-19 था, ये पहले मेट्रो सिटीज़ तक सीमित था, जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई, पुणे। अभी क्या हो रहा है, ये छोटे ज़िलों में, तहसील, गांव, कस्बे, इस जगह भी ये केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी मेट्रो सिटीज़ में रहती है उतनी जो रिमोट एरियाज़ है, गांव है, बस्तियाँ है, छोटे तहसील है, वहाँ नहीं रहती है, और लोग टेस्ट करवाते भी नहीं काफ़ी ज़्यादा, लोग खुद इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। जो डॉक्टर्स है उनको अभी इसका बेसिक ट्रीटमेंट पता है, तो मैक्सिमम लोग इसमें शुरू में ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो हमें एक्चुअल आंकड़ा है केसेस का, वो भी सामने नहीं आता है, तो ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि ये अभी इंडिया का पीक चला गया है, ये कहना ये काफ़ी प्री मैच्योर बात होगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही हुआ, शुरू में हमने कहा पीक कम हो गया, बाद में दोबारा केसेस बढ़े, बाकी जगह भी ऐसे ही होगा। क्योंकि अगर हम कहेंगे पीक कम हुआ और फिर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, लोगों को लगेगा अभी तो कोरोना चला गया, पीक कम हो गया, लोग बाहर निकलेंगे तो दोबारा इसके केसेस बढ़ेंगे। दोस्तों, जो स्पैनिश फ्लू का पैंडेमिक था, इसमें भी ऐसा हुआ था,
जो पहली वेव आई थी स्पेनिश फ्लू की, तब जो यूएसए में जो था मैनेजमेंट था, वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था, काफ़ी कड़े नियम बनाए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे केसेस कम आने लगी, फिर ये जो नियम है उसमें पूरी ढील दी गई और लोग रास्तों पे निकलने लगे, और फिर जो सेकंड पिक आया उससे पहले पिक से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। तो इसलिए हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि इंडिया का पिक आके चला गया है। दोस्तों ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अभी पहले से भी ज़्यादा नियमों का कड़ाई से पालन करना है। दोस्तों जो ICMR का सेकंड सीरो सर्वे हुआ है उसमें भी ये बात सामने आई है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है इतनी अभी बनी नहीं है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में लोग अभी ससेप्टिबल है वायरस को, तो ये बात ICMR के सीरो सर्वे ने भी प्रूव की है। और दोस्तों हमें जो COVID-19 है इसका ट्रांसमिशन रेट है जो वैक्सीन आने तक कम से कम रखना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हॉस्पिटल्स में है बेड पूरी तरह से ऑक्यूपाई नहीं होंगे, जिन लोग पॉजिटिव आएंगे उन लोगों के अच्छे से ट्रीटमेंट होंगी। इसकी वजह से वैक्सीन आने तक मुझे नहीं लगता कि ये जो पीक है उसको पूरी तरह से या COVID-19 पैंडेमिक को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी आने को काफ़ी समय लगता था, स्पैनिश फ्लू में 2-2.5 साल लगे थे हर्ड इम्यूनिटी आने में, तो ये 7-8 महीने में ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई ये समझना उचित नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें नियमों का कड़ाई से पालन करना है, हमें बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लोगों से कम 2 मीटर का फासला रखना है। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरिस हिल टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।